हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शीबा ब्लॉगर की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, हम सब रेडी होकर, हमारा आज देहरादून में तीसरा दिन है और हम सब रेडी होकर जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए। जाएंगे यहीं पे आसपास में। चलिए, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ, है ना। ये सब रेडी हो गए हैं। मेरी मुमानी, हाय करो मुमानी। साहिबा, हीरोइन लग रही तो आज। ये सब रेडी हो गए। अम्मी, अरहान, नजर, अरहान पागल बना हुआ है। और ये रिहान, रिहान। चलो गाइस, चल रहे हैं घूमने। हाय करो भाई, हाय करो। और ये लॉक लगा रही है हमारी सुकड़ी बहन। इससे लॉक लग नहीं रहा है क्योंकि लॉक बहुत टाइट हो गया है। वाइट वाइट लग रहे सब हम तो यहाँ धूप में। वो माता को देखो कितनी प्यारी लग रही। ये हिना के घर का बाहर का व्यू है। यहाँ पे रिक्शे नहीं मिलते, काफी दूर जाकर मिलते हैं। हिना खाला, हाय कह लो। ये मेरी बिल्कुल सुकड़ी बहन। हम कुछ नहीं कर रहे थे, रास्ते पे चल रहे थे। हमने एक डॉगी को पेट बना लिया अपना। चलते चलते। हाँ जी। गाइस, ये डॉगी बच्चों ने जाते जाते अपना पेट बना लिया। आरू ने इसे प्यार से अपने पास बुलाया, अजहर ने, आरू ने। और ये आरू के अजहर के साथ साथ चल रहा है। और अब हमारा अजहर परेशान हो गया इससे। हमने इसे बिस्किट भी दिलाया, बताओ सर। और इसने खाए भी नहीं जो हम खा रहे हैं। और गाइज, हम ये आ गए हैं क्लेमेंटाउन झील पर। और ये देहरादून की झील है क्लेमेंट में। कितना प्यारा नज़ारा है। ये यहाँ पे सारी डक्स, ये देखिए मेरी साथ साथ चलनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे सामने फाउंटेन भी है और वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद चला देंगे शायद। वो देखिए सब आगे आगे जा रहे हैं और मैं भी पीछे पीछे जा रही हूँ उन सब के। और आगे जाकर दिखाती हूँ आप सबको क्या क्या नज़ारे हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है और अभी लोग ज़्यादा आए नहीं, आना स्टार्ट ही हुए हैं अभी। चलिए फिर इंजॉय करते हैं आगे जाकर। सब आगे चले गए हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से आगे। गाइस, हम आए हैं क्लेमिंग टाउन देहरादून की झील पर। सब लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं। ये उज़मा, चलो भाई सब इंजॉय कर लो, डांस करके दिखा दो मुझे। पहले ब्लॉग में थोड़ी सी कर लिया बस, नीट हो गई है। 4 बजे के टाइम हम वहाँ पहुँचे हैं। अभी यहाँ पे आना स्टार्ट हुए हैं लोग। बहुत शांति शांति का माहौल है, बहुत अच्छा। और गाइस, ये देखिए उस साइड से इस साइड हमारे पास फिर से डक आ गई है। और हम यहाँ पे मछलियों का खाना लेकर आए हैं, हीना और बच्चे खिला रहे हैं। लेकिन खाना खिलाते खिलाते बंदर आ गए। और मैंने बोला था ना फाउंटेन स्टार्ट हो गया, हो जाएगा। ये देखिए फाउंटेन भी स्टार्ट हो गया है। और मेरे साथ भी देख लीजिए फाउंटेन कैसा लगा। और ये बच्चे फिर से यहाँ पर खाना खिला रहे हैं, दूसरी साइड आए हैं। और मुझे तो यहाँ पे मछलियाँ दिख नहीं रही है भाई। मछलियाँ हैं लेकिन काफ़ी नीचे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। हिना बता रही थी यहाँ पे काफ़ी मछली होती है लेकिन आज बहुत कम है। हाय, कैसे हो गाइस? किससे बात करने के लिए आई हो आप, बोलो। अच्छा, कब आ गई? गाइस, मेरे बेटे को बहुत शौक है मिलिट्री में जाने का, मेरे प्यारे से बेटे अजहर को और मेरे बेटे रहान को भी। दोनों मिलिट्री में जाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं दोनों के दोनों। गाइस, ये मिलिट्री एरिया है, यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना बिल्कुल मना है लेकिन मैं चुपके से बना रही हूँ, देख रहे हैं मुझे भैया। गाइस, यहाँ पे इतने सारे मंकी हैं और ये देखो कैसे अपने बच्चे को लटका कर लेके जा रही है मादा मंकी। ये मिलिट्री कैंप है,
गाइज अब हम निकल गए थे झील से, अब हम बुद्धा टेम्पल जा रहे हैं। गाइज ये हम आ गए हैं बुद्धा टेम्पल बच्चों को लेकर घुमाने के लिए। आइए बुद्धा टेम्पल घूमते हैं अब हम। गाइस ये बुद्धा टेम्पल की एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रखा है बुद्ध मंदिर। ये देखिए कितना प्यारा नजारा है, पेड़ वेड़ कितनी अच्छी कटिंग की हुई है सब कुछ। अभी उनकी प्रेयर का टाइम हो रहा है। ये अम्मी खड़ी हुई देख रही है नजारे। हाय गाइस मैं भी तो इधर हीरोइन भी है इधर। ये माई है ना आज हीरोइन बनकर आई है मैम। और गाइस अब हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर के अंदर जाकर देखते हैं। हिना बता रही थी काफ़ी दिनों से ये मंदिर बंद था और मतलब कोरोना के टाइम से ऊपर की एंट्री बंद थी, अब जाकर एंट्री खुली है और देखते हैं क्या है ऊपर जाकर। और मुमानी बेचारी बैठ गई हैं पीछे ही, अम्मी को हम जबरदस्ती ऊपर लेकर आए हैं। जा उज़्मा आगे जा। हाँ ठीक है अच्छे लग रहे हो सब, चलो भाई फास्ट फास्ट चलो। और गाइस ये ऊपर आ गए हम, ये ऊपर का मैंने कहा थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ नज़ारा। अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से और ऊपर भी, इससे ऊपर भी जाते हैं लेकिन वहाँ की भी एंट्री बंद है। और अभी ये हम अंदर आ गए लेकिन यहाँ पे साइड में साइड से बंद कर रखा है, कुछ भी देखने के लिए नहीं है, कुछ देखने ही नहीं दे। और गाइस ऊपर जाना अलाउड नहीं था तो इसलिए हम ऊपर नहीं गए। ऊपर से ही ना बता रही थी बहुत अच्छा नज़ारा आता है और ऊपर का भी बंद है, कोरोना के बाद सिर्फ इतना ही खुला है, उससे आगे का नहीं खुला। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मंदिर है और यहाँ पे एक और बुद्धा जी की एक और मूर्ति बन रही है, बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, बहुत बड़ी। और ये तो एक एरिया हो गया इसका मंदिर का और दूसरी तरफ वहाँ आगे एक और मतलब बहुत बड़ी बुद्धा जी की मूर्ति है और वहाँ पे भी बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है, उस साइड का भी जाएंगे हम दिखाने के लिए। और ये देखिए फलक कितनी क्यूट लग रही है, कितनी क्यूटू क्यूटू सी थक गई है चल चल कर, क्योंकि उधर से हम इधर तक इतनी दूर तक पैदल आए हैं और अम्मी भी थक गई हैं, मुमानी के पास चली गई हैं। हम बुद्ध टेम्पल के पीछे बैक साइड में हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब ग्रीनरी वाली है एरिया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा एरिया है, पूरे में ग्रीनरी ग्रीनरी, पूरे में जंगल ही जंगल। यहाँ पे आकर एक शांति वाली वाइब्स आती है। गाइज हम सब ने सेल्फी वेल्फी ले ली और हम यहाँ बैठ के सेल्फी ले रहे थे अपनी। अब जाएंगे मुमानी के पास, वो देखो वो जा रही है जाएगी सेल्फी कर। ये सारे बच्चे बेचारे पोज बन के खड़े हुए हैं, हमने ये सोचे मैं इनका फोटो खींच रही हूँ लेकिन मैं इनका व्लॉग में ले रही हूँ। शबरीना जाओ आप भी हमारी तरफ से ही पोज बना, पोज अच्छा सा कोई पोज। ये यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ बना रखी हैं, अच्छी हैं। और अब हम जा रहे हैं, ये इनका एक कल्चर है बैल बजाने का, इसकी क्या मतलब क्या है मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। और बच्चे वो ही जा रहे थे कहने के लिए, बच्चों ने घुमाया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय भी किया वहाँ पे जाकर।
ये देखिए बच्चों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, अरहान, फलक, अजहर, शबरीना और भी दो बच्चे हैं किसी के साथ में, सब इंजॉय कर रहे हैं। और मतलब वहाँ पे एक अच्छी सी वाइब आती है, मतलब कोई भी हो भाई, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी टेंपल, कुछ भी हो, सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक सुकून वाली वाइब्स होती है। और ये साइड इसका कैंटीन है, कैफेटेरिया, यहाँ पे मतलब शॉपिंग भी कर सकते हैं आप लोग, शॉपिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको जो कुछ ख़रीदना हो आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट बना रखी है यहाँ की और काफ़ी अच्छी भी है मार्केट। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाहर बैठकर शाम का मतलब जो भी है खा पी रहे हैं थोड़ा बहुत। तो मैं थोड़ा अंदर आई और मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। यहाँ पे ये छोटी सी मार्केट बनी हुई है, अंदर ही अंदर की साइड ये मार्केट है, और जो लोग अंदर से नहीं ख़रीदना चाहते वो बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। और ये पूरा व्यू यहाँ से इसका आ रहा है ऐसा। और अब हम यहाँ से जा रहे थे, जाते जाते बच्चों ने फिर से बैल बजाने की मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला चलो आओ लेकर चलती हूँ बैल बजाने के लिए। और हमने यहाँ पे रुक कर थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराई और अब बच्चों को लेकर हम जा रहे हैं आगे। अब ये बच्चों ने सबने बैल टन 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 सब ने बैल बजाई। आरू का हाथ नहीं जा रहा था, पलक बजा कर आई है और आरू बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उज़्मा ने उससे बैल बजवाई, उज़्मा ने उसको कैरी किया तो उसने बैल बजाई। और अब हम जा रहे हैं वो जो मैं दूसरी साइड का बताई थी आपको कि दूसरी साइड भी बुद्धा टेम्पल है, बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मतलब उस साइड का अलग व्यू है, इस साइड का अलग व्यू है, इधर मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छा लगा, एक सुकून सा, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे बना रखा है इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा है इसलिए मतलब। और यहाँ पे थोड़ी हवा भी लगी, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी उस साइड जब थे, तो एक घुटन सी थी, मौसम की वजह से होगा शायद, मे बी। और ये मूर्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सब इसके नीचे एक मतलब इस मूर्ति के नीचे एक फ्लावर टाइप बना हुआ है, उसके नीचे बैठ कर पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। ये सब आ रहे हैं और मैं पहले ही आगे आ गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शायद वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे भी ये इनकी बैल ही, मतलब इसको बैल ही कह सकते हैं हम, जब हमें पता नहीं भाई, हमें मुझे नहीं बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या इसको क्या बोलते हैं। और ये सब लोग यहाँ पे अपनी जाते जाते पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। मैं जा रही हूँ व्लॉगिंग करते हुए सीधी सीधी। ये पलक, शबरीना, अजहर सब चले गए हैं ऊपर, बच्चे बहुत भूखे थे, चिप्स खा रहे हैं। ये देखिए ऊपर का व्यू काफ़ी अच्छा है, अच्छे नज़ारे हैं। और जो साइड का मैं बता रही थी ऊपर का बंद है, वहाँ पे उससे भी अच्छे नज़ारे, पूरा देहरादून देखने को मिलता अगर वहाँ का ऊपर का खुला हुआ होता तो। तो गाइज इस वीडियो को मैं यही एंड करना चाहूँगी, बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।